सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। बहुत सारे बच्चे मेरे से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कॉमन क्वेश्चन बच्चों का ये कि सर अगर मैं एडिशनल सब्जेक्ट में पास हूँ और अगर किसी मेन सब्जेक्ट में फेल हो गया तो सर क्या एडिशनल सब्जेक्ट का कोई बेनिफिट मिलेगा? देखो यार, मिलता है बेनिफिट, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में मिलता है। मैं आपको देखो इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो मैं आप है ना, मतलब ये वॉइस ओवर वाली वीडियो नहीं होगी, वो एक डिटेल वीडियो होगी जिसमें मैं आपको प्रॉपर मार्कर की हेल्प से और एक बोर्ड की हेल्प से सबको डिटेल में समझाऊंगा। बस मैं आपको अभी बात इतनी समझा सकता हूँ कि एडिशनल सब्जेक्ट का बेनिफिट मिलता है आपको। कई बार मेन सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए तो एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स रिप्लेस होते हैं, लेकिन इधर मैं आपको एक बात और बोलूँगा, क्लास टेंथ में अलग रूल है, क्लास ट्वेल्थ में अलग रूल है, लेकिन दोनों ही क्लास के अंदर एक रूल लगता है, बेस्ट फाइव पॉलिसी। एडिशनल सब्जेक्ट में अगर आपके अच्छे नंबर आए हैं और मेन के अंदर आपके ख़राब नंबर है तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो चला जाएगा एडिशनल में, और जो आपका एडिशनल वो बन जाएगा मेन सब्जेक्ट। और इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। मेरे को 100% पता है बच्चों को कुछ समझ नहीं आया होगा, टेंशन मत लो, एक बार वेट करो, मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं आपको एक बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, बस कल का वेट कर लो, कल आपको वीडियो मिल जाएगी। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मुलाकात करेगा आने वाली किसी नई वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।